Hey guys, welcome back to my channel. और आज मैं आपको एक क्यूट एंड क्विक सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ इस वीडियो के रिगार्डिंग. सो आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हार्मफुल होने वाली है. आपकी कार्ब्स, कैलोरी और फैट वगैरह बढ़ सकते, तो मुझे ब्लेम मत करना बाद में आप. सो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ. मूविंग ऑन, आज मैं बना रही हूँ क्ले से जंक फूड. ये मेरे लिए चैलेंज जैसा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे रिक्वेस्ट आया कि मैं जंक फूड बनाऊँ क्ले से. अभी रिसेंटली मैंने क्ले परचेज किया और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं क्ले से अपने शॉर्ट्स में, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी देख सकते हो. एंड यहाँ पे मैं अगेन क्ले से बना रही हूँ जंक फूड मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे. तो मैं अभी बना रही हूँ पिज्जा स्लाइस और इसके ऊपर मैं चीज़ की टॉपिंग कर रही हूँ क्ले से ही. एंड वंस इट्स डन, मैं करूँगी टॉपिंग वेजीज की इसके ऊपर. तो ये मैंने कुछ रफ टफ टाइप का चीज़ का टॉपिंग कर लिया है क्ले से. मैं किसी टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ. काफ़ी सारे लोग टूल से भी बनाते हैं चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बट यहाँ मैं मेरी फिंगर्स की ही हेल्प लूँगी, डोंट माइंड. और अब रेड कलर के क्ले से मैं करूँगी टोमेटो के स्लाइसेस वाली टॉपिंग. अब ग्रीन कलर का मैं क्ले लूंगी और इससे मैं बनाऊंगी कैप्सिकम, और इस पे मैं कैप्सिकम की भी टॉपिंग करूंगी थोड़ा सा. सो 3-4 बार मुझे ये इस तरह से रोल रोल करके इसे बनाना है, और सिर्फ 3-4 ही टॉपिंग डालनी है. ये स्लाइस है तो इस पे बहुत ज़्यादा वेजीज तो आएंगी नहीं. सो यहाँ मेरा कैप्सिकम का टॉपिंग भी हो गया है. एंड अब मैं लूंगी ब्लैक ऑलिव बनाने के लिए ये ब्लैक क्ले. एंड मेरी फिंगर की ही हेल्प से मैं इसे लंबा लंबा रोल करने के बाद राउंड शेप में कर्व कर दूंगी, और इसे भी मैं यहाँ पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग में लगा देती हूँ. सो गाइज, ये मेरा ब्लैक ऑलिव कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको ये पिज़्ज़ा रियलिस्टिक लग रहा है या नहीं ये भी मुझे कमेंट्स में बताना. सो अब बारी है डोनट की. तो मेरा सेकेंड जो जंक फूड है वो है डोनट, और यहाँ डोनट भी मेरा बन गया है. और इसके बाद मैं अब इसमें कर देती हूँ एक होल इसके सेंटर पार्ट में, और इसके बाद मैं इसके ऊपर करूंगी ग्लेजिंग. तो पिंक कलर का मैं ग्लेज करूंगी इसके ऊपर क्ले से ही, और ग्लेज के लिए मैं ये क्ले को थोड़ा ऐसे फ्लैट कर लेती हूँ, और इसके बाद इसके कॉर्नर्स को मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही कर्व कर लूंगी, और इसके बाद डोनट के ऊपर इसे पेस्ट कर दूंगी. सो ये भी आपको रियलिस्टिक लगा या नहीं ये भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना. इस वीडियो के लिए मैंने जरा भी प्रिपरेशन पहले से नहीं की थी, मैं मेरी और भी वीडियोस पे काम कर रही थी. मैं इधर शॉर्ट्स में रेगुलर हूँ, मैं डेली एक शॉर्ट्स डाल रही हूँ मेरे चैनल पे. सो मैं ये वाली वीडियो को फुलफिल नहीं कर पा रही थी जो रिक्वेस्ट आई थी मुझे, एंड आई वाज लाइक कि फटाफट से मुझे अब ये भी करना चाहिए. मैंने ये दिमाग में रखा हुआ था कि मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊँगी, और आज फाइनली मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ. एंड ऑल्सो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट्स पे अपलोड करने से अच्छा है एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और इसका पूरा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ, और इसका मैं छोटा छोटा सा पार्ट शॉर्ट्स पे भी डालूंगी. पहले से ही आपको बता देती हूँ मैं. एंड अब मेरे डोनट का स्प्रिंकल भी रेडी हो चुका है, तो ये मेरा डोनट भी कुछ रियलिस्टिक इफेक्ट देने लगा है. मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आप ये डोनट के बारे में भी. एंड मेरा डोनट भी बन के रेडी हो गया है. सो अब मेरा जो थर्ड जंक फूड है ये काफ़ी रेगुलर सा जंक फूड होने वाला है गाइस. तो मूविंग ऑन, अब मैं बना रही हूँ मैगी. सो मैगी के लिए मैंने ये मेरा झुमका का बेस लिया हुआ है, एंड इससे मैं बनाने वाली हूँ मेरे मैगी का बोल. तो फुल ऑफ बोल मैगी बनाने वाली हूँ मैं. किसको किसको लालच आई ज़रूर बताना. तो यहाँ पे मैं एक क्ले का ऐसे ही डो बीच में रख दूँगी, ताकि मुझे ढेर सारा मैगी का नूडल ना बनाना पड़े. सो अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे से क्ले को पार्ट्स में लेके और इसे रोल रोल लंबा लंबा सा रोल करूँगी और मैगी नूडल्स बनाऊँगी. सो मैंने कप लिया है और इस कप के ऊपर मैं इसको रोल कर रही हूँ. सो गाइज, मेरे ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर बताना यार. आप कमेंट्स नहीं करते हो मेरे वीडियो में, मेरी वीडियो ऐसी खाली खाली चली जाती है, ना लाइक्स आते हैं ना कमेंट्स आता है, बस व्यू थोड़े बहुत डेली डेली 10-20 बढ़ते रहते हैं. सो गाइज, सपोर्ट करो यार, क्योंकि मेरा मैगी का बोल भी रेडी हो गया है गाइस. टॉपिंग वाला जो फुटेज था ना वो मेरे से डिलीट हो गया गलती से. सो अभी देख सकते हो कि ये मेरे 1x1 जंक फूड्स कैसे लग रहे हैं आपको, ये मुझे ज़रूर बताना. मैं बार बार बोल रही हूँ. सो वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.